छोटे पर्दे पर काम करने वाले स्टार्स अक्सर ऑन स्क्रीन पर एक दूसरे से काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दोस्ती का प्यारा सा रिश्ता कायम रखते हैं। ठीक वैसे ही रियल लाइफ में भी उन्हीं स्टार्स के बीच इतनी अच्छी दोस्ती और प्यार देखने को मिलता है कि अगर किसी एक दोस्त पर कोई मुसीबत आ जाए तो दूसरा दोस्त उसे अपनी मुसीबत समझकर अपने जिगरी यार की रक्षा करता है। बस उनके बीच इसी प्यार भरे रिश्ते को देख उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। तो आखिरकार कौन कौन से हैं टीवी के वो बेस्ट फ्रेंड्स जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर एक पर है ऋत्विक धनजानी और रवि दुबे। खतरों के खिलाड़ी के सेट से एक दूसरे के जिगरी यार बने ऋत्विक धनजानी और रवि दुबे की दोस्ती की वाकई मिसाल दी जाती है, क्योंकि हमेशा दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। नंबर दो पर है सुधांशु पांडे और अपूर्व अग्निहोत्री। जी हाँ दोस्तों, टीवी एक्टर सुधांशु पांडे और अपूर्व अग्निहोत्री भी काफी करीबी दोस्त हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, दोनों का एक दूसरे के साथ काफी उठना बैठना और पार्टीज करना है। नंबर तीन पर है श्रुति झा और अर्जित। कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रुति झा और अर्जित तनेजा की दोस्ती की भी मिसाल दी जाती है, क्योंकि इनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि दोनों एक दूसरे से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते, चाहे वो किसी की बात का डिसीजन लेना हो या फिर अपने करियर में समझौता करना हो। नंबर चार पर है रूपाली गांगुली और दिलनाज ईरानी। टीवी सीरियल अनुपमा फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और दिलनाज ईरानी की दोस्ती बहुत पुरानी है। आपको बता दें कि ये बचपन से ही एक दूसरे की पक्की दोस्त रही हैं, जिन्होंने गुड्डे गुड़ियों का खेल भी एक साथ खेला है और इनकी इतनी पुरानी दोस्ती को देख लोग इनकी मिसाल देते हैं। नंबर पाँच पर है पारस कलनावत और करण कुंद्रा। बिग बॉस 15 के घर में इन दिनों खूब धमाल मचा रहे अभिनेता करण कुंद्रा और पारस कलनावत भी एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, जो गर्लफ्रेंड भी एक साथ बनाते हैं और पार्टी शार्टी भी एक साथ करते हैं। नंबर छह पर है अंजुम फकी और श्रद्धा आर्या। कुमकुम भाग्य सीरियल में एक साथ काम करके जिगरी दोस्त बनी अंजुम फकी और श्रद्धा आर्या की दोस्ती भी बहुत पक्की है, इसीलिए तो श्रद्धा ने अपनी शादी की रस्में अंजुम फकी के आने पर ही शुरू करवाई थी, क्योंकि अंजुम फकी के बिना श्रद्धा आर्या का पत्ता भी नहीं हिलता है, जो एक दूसरे को अपनी जान मानती है। नंबर सात पर है ऐश्वर्या शर्मा और आशा किशोर। गुम है किसी के प्यार में फेम एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा और आशा किशोर की दोस्ती की भी मिसाल दी जाती है, क्योंकि आशा किशोर के बिना ऐश्वर्या ने शादी से भी मना कर दिया था, इसीलिए जब ऐश्वर्या की शादी में आशा शामिल हुई तब जाकर ऐश्वर्या मंडप में आई थी। नंबर आठ पर है मोहसिन खान और करण कुंद्रा। भले ही करण कुंद्रा कुछ ही समय के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है शो का हिस्सा बने थे, लेकिन मोहसिन खान के साथ इनका वाला रिश्ता बन गया था, जिसके चलते इनके बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और आज ये दोस्ती इस कदर आगे बढ़ गई है कि ये दोनों एक दूसरे से पूछे बिना खाना तक नहीं खाते हैं। नंबर नौ पर है शिवांगी जोशी और अदिति भाटिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और ये है मोहब्बते की अदिति भाटिया रियल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो एक दूसरे को फ्रेंड्स कम बहने ज्यादा मानती हैं, इसीलिए तो उनके बीच बहुत सारा प्यार हमें इनकी इन तस्वीरों में देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, आपको टीवी के इन सितारों में से किसकी दोस्ती ज्यादा अच्छी लगती है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।